नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की शुभ ऊर्जा लिए नई रोशनी के साथ हम हैं साथ आपके। दोस्तों, फैली है रोशनी, मिटा तम सारा, रोशनी से भर गया है गुलशन सारा, और सब रंग में हम हैं साथ आपके, नई उमंगों के साथ, नए रंगों के साथ। दोस्तों, कहते हैं यदि सुबह का एक पहर शुद्ध विचार से, शुभ ऊर्जा से भर जाए तो आठों पहर उसका पहरा रहता है, और दुनिया का हर ज्ञानवान और समझदार आदमी अपनी सुबह की शुरुआत करता है शुभ विचार के साथ। तो आइए हम भी अब तालमेल बनाते हैं शुभ ऊर्जा को लेकर इस संसार के साथ, और आपके सामने पेश है आज का सुवाक्य। नमस्कार। जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा भविष्य में वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो किस बात की व्यर्थ चिंता करते हैं हम? हर बात में कल्याण है। गीता के इस ईश्वरी महावाक्य में स्ट्रेस मैनेजमेंट का सलूशन है कि अगर हम इस बात की चिंता करते हैं कि जो हमारा अतीत है और जो आने वाला भविष्य है वो हमें अगर व्यर्थ चिंता देता है तो वो हमें वर्तमान में भी सुखी नहीं रहने देता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम जीवन में सही अर्थों में स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो हम वर्तमान में जिए, और वर्तमान में जीना वास्तव में प्रेशियस मोमेंट्स को एंजॉय करना है, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुखद है, बहुत ही खुश है और बहुत ही सफल है। इन बातों को दोहराने मात्र से ही हम अपना वर्तमान बहुत श्रेष्ठ कर लेंगे। तो बस आज से यही करना है, जो हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। दोस्तों, एक शांत मन, प्यार भरा हृदय, अच्छी नींद और सात्विक भोजन आपकी सेहत को चार चांद लगा देते हैं। अपनी सेहत से प्यार करना स्वयं को प्यार करना है, और स्वयं को प्यार करना है तो अपनी सेहत से प्यार कीजिए। इस प्यार को रोज बढ़ाते रहिए, क्योंकि एक जब तंदुरुस्ती है, दूसरी जब मंदुरुस्ती है, तो यकीन जानिए फिर सारी दुनिया में खूबसूरती है। और आपके सेहत को और अच्छा बनाने की विधि बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आप सीनियर साइकोथेरेपिस्ट हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आज हमसे आप बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स पर। आइए। नमस्कार। वर्तमान समय एडिक्शन देने वाली बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग सिगरेट या तो शराब, ड्रग्स इसके शिकार नहीं है, परंतु दो बहुत बड़े एडिक्शंस है वास्तव में। एक तो आज देखो तो आप सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया सबको। आज बच्चे हैं मोबाइल को या तो नेट को छोड़ते ही नहीं है। और दूसरा, आपको आश्चर्य होगा हाँ, परंतु लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे अच्छा कहे, मैं कुछ हूं, इसका भी एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि ये है ना डोपामाइन को रिलीज करता है। एक मस्तिष्क का केमिकल है। होते ने शब्द सुना होगा डोपामाइन डिटॉक्स। कैसे करें? तो पहली तो बात है कि इसको फाइंड आउट करो कि मेरे में ये एडिक्शन आ रहा है। फिर सेकंड कि उसका अल्टरनेटिव, जैसे कि भी किसको इंटरनेट का एडिक्शन हो गया तो वह व्यक्ति और कुछ मैकेनिकल चीजों को ले ले कि जिसमें नेट की जरूरत नहीं है।
या तो कुछ खेले, कहीं जैसे कि भाई हाइकिंग पर चला जाए, तो वही बात होगी लेकिन वो एडिक्शन से बचेगा। जो दूसरा मैंने कहा कि लोग मुझे सम्मान दे, उसमें ये हो सकता है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो, आप इंटरनलाइज करो मेडिटेशन में, तो उससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि वहां भी डोपामाइन रिलीज होता है। परंतु अच्छी चीज है वह, जो है वह अच्छी बात है, तो इसके कारण वह जो हानि है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो नेगेटिव इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं होगी। और एक सिंपल सी चीज है कि सन बाथ लो, उससे भी सिमिलर इफेक्ट होती है। मून गेजिंग करो, उससे भी सिमिलर इफेक्ट होती है। ओम शांति। दोस्तों, जो अनुभवी है, जो सेवा भावी है, वो सबका सब जगह सम्मान पाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आज संसार को ऐसे मानवों की जरूरत है जो स्वयं किसी भरे हुए वृक्ष की तरह, फलों से लदे हुए वृक्ष की तरह भरकर दूसरों को सुख दे, साथ दे, जो किसी का जीवन बचाए, जो किसी का जीवन सजाए, किसी को नई राह दिखाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग के द्वारा हर मानव को राजाओं का राजा, स्वयं का राजा बनाने का प्रयास करता है। लेकिन संसार में कुछ लोग जमीर से नीचे इतना गिर जाते हैं कि वो दूसरों को गुलाम बनाकर मानव तस्करी करते हैं। लेकिन जहां अंधेरा है, फिर वहां रोशनी भी भगवान बेचता है। और ऐसी ही रोशनी का कार्य कर रही हैं बहन सुनीता कृष्णन जी। आप पद्मश्री सम्मान प्राप्त है। मानव तस्करी की शिकार बहनों को बचाकर आप उनका जीवन सजाती हैं, उन्हें नई राह दिखाती हैं, उन्हें बचाती हैं। आइए आज ऐसी महान विभूति की विचार सुनते हैं हम विशिष्ट की बातें विशेष में। संगठित गिरोह में चलने वाला अपराध है, यानी बहुत सारे अपराधी हैं इस श्रृंखला में जो इस अपराध को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिनकी रोजी रोटी उस अपराध से ही बनती है। कि अगर हम उनके इंडस्ट्री को या उनके लाइवलीहुड को उनके पेट पे लात मारते रहेंगे तो 100% वो मेरी पिटाई करेंगे। तो ये तो मेरा पैकेज नहीं है, तो मैं इसे चैलेंज जैसा मानती नहीं हूँ। अगर आप मीडिया में हो, आप एंकर हो, तो आपको लॉन्ग आवर्स काम करने पड़ते हैं या इराटिक आवर्स काम करने पड़ते हैं, या आपको अलग अलग तरह के पर्सनैलिटी से बात करने की जरूरत पड़ती है, कोई सही रहेगा कोई नहीं रहेगा, ये आपके काम का पैकेज डील है, उसे आप चुनौती नहीं मानेंगे क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ योर थिंग। सिमिलरली मार खाना मेरे पैकेज डील का एक भाग है। तो 17 बार मेरे जिंदगी पर वार हो चुका है एंड आई डोंट थिंक दैट इज अ चैलेंज एट ऑल, और मैं उसको चैलेंज मान बोलना भी शायद पसंद नहीं करूँगी। समाज का दृष्टिकोण इन बच्चों की तरफ जो है, शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग अपनी जिंदगी जान हथेली पे रख के हम लोग एक एक बच्ची को बचाते हैं, दो साल, तीन साल, चार साल लग जाते हैं इस बच्ची के अंदर आशा की ज्योति जगाना, उसका अपना एक वजूद क्रिएट करना, गौरवपूर्ण जिंदगी की एक आस उसके अंदर भरे वो लेके आना, बहुत बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। एक दिन में नहीं होता है। मतलब एक बच्ची जिसने 15-15 बार या 20-20 बार अपने शरीर का उल्लंघन देखते हुए हफ्ते, महीने, सालों जी है, एक शॉट में ठीक नहीं हो जाएगी, है ना। उसको बहुत टाइम लगता है। वो शायद बीमार भी हो सकती है, HIV पीड़ित भी हो सकती है, अलग अलग सिचुएशंस हैं। वापस समाज या इंसान के ऊपर ही ट्रस्ट करवाना एक बहुत बहुत जोखिम का काम है। इतना सब कुछ करने के बाद जब समाज उसको दुत्कार देती है, कहती है कि तुम मॉरलेस हो, कैरेक्टरलेस हो, तुम समाज में वापस नहीं आ सकती हो, मेरे लिए शायद वो सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज है। ब्रह्मा कुमारी की राजयोग की पढ़ाई में एक विशेष विषय है सेवा। कहते हैं
कर सेवा तो मिलेगा सुकून का मेवा। बड़ा संतोष मिलता है जब आप सच्चे दिल से किसी की सेवा करते हैं, और यदि आप सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो यकीन जानिए आपको परमात्मा से की गई प्रार्थना से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और यदि आप ये पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बस आपको इतना ही करना है, जो भी शक्ति आपके पास ज़्यादा है, आपके पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, किसी गुण की शक्ति है, उससे किसी की मदद करते रहिए। यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी और ये संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आइए ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाओं की झलकियाँ देखते हैं अब पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। चीन ग्वांगझू की ब्रह्मा कुमारिस ने ग्वांगझू में भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के वर्ष का शुभारंभ किया। ग्वांगझू में भारत के महावाणिज्य दूत श्री शंभू एल हक्की ने लॉन्चिंग के लिए बधाई दी और ब्रह्मा कुमारियों द्वारा की गई सेवाओं की भी सराहना की। And let me also begin by congratulating the Brahma Kumaris for organizing this online launching of the year of spiritual empowerment, kindness and compassion. As we are celebrating one of the very monumental part of our history, the 75th anniversary of our independence. And we would be very happy to work with you in further promoting this Indian culture aspects in South China. बी के सिस्टर सपना ने वर्तमान परिदृश्य में दया और करुणा के महत्व को समझने के लिए एक व्यावहारिक कार्यशाला और निर्देशित ध्यान का आयोजन किया। Reflect upon our inner selves when we understand what we are and what we want to be. And you know the very interesting thing is that we want to be what we actually originally are. थीम लॉन्च करने के लिए वर्चुअल कैंडल लाइटिंग और वर्चुअल पर्दा उठाया गया। डायमंड कल्चर ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों में चीन के भारतीय, स्थानीय नागरिक और प्रवासी भी शामिल हुए। दोस्तों, सब रंग जीवन के सुंदर रंगों को, खूबसूरत रंगों को आप तक लाता है आपके जीवन को सजाने के लिए। और प्यार का रंग सचमुच एक बहुत खूबसूरत रंग है। जो प्यार भरा हृदय है वो साक्षात भगवान की मूरत होता है, क्योंकि ईश्वर भी है प्यार का सागर। क्रोध ने आज तक कभी समाधान नहीं किए हैं। क्रोध से सदा जख्म मिलते हैं, चीज़ें टूटती है, नुकसान होता है, और प्यार से सदा सुख मिलता है, शांति मिलती है, निर्माण होता है। तो सदा जीवन के हर मल में प्यार को अपनाते रहिए, प्यार से जीवन को सजाते रहिए और सब रंग के साथ अपने जीवन को रंगीन बनाते रहिए। ओम शांति, नमस्कार।